सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं लोबेट जीएम नियो क्रीम्स के बारे में। लोबेट जीएम नियो क्रीम्स का क्या है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिन तक यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, यूज़ करने से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन डालेंगे और ये किस प्रकार काम करता है, उसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है, उसको कब और कैसे यूज़ किया जाता है और कितने दिनों का यूज़ किया जाता है, और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इसको क्यों रिकमेंड्स करते हैं। तो जीएम न्यू क्रीम्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या भी आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं लोबेट जीएम न्यू क्रीम, जो कि हमारे पास 15 ग्राम का ट्यूब है, जिसकी एमआरपी की बात करें इसकी एमआरपी 95.21 यानी कि 95 रुपये क्रीम इसकी एम आर पी है। लोबेट जीएम नियो क्रीम्स को एबॉट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेंस कंपनी है और बहुत सारे डर्मा प्रोडक्ट भी बनाती है। लोबेट जीएम नियो क्रीम्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशंस है क्लोबिटासोल 0.05% वेट बाय वेट्स, मिकोनाजेस 2% वेट बाय वेट्स, नियोमाइसिन 0.5% वेट बाय वेट्स, यानी कि इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स डाले गए हैं। लोबेट जीएम नियो क्रीम्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल यानी कि ट्रीटमेंट करती है स्किन इन्फेक्शन में। स्किन इन्फेक्शन में होएगा आपको अगर लालिमा या सूजन या खुजली वगैरह हो रही है, या फिर आपके चेहरे पे कुछ एक्ने या पिंपल्स टाइप हो गए, या फिर आपको इचिंग्स वगैरह हुई है, तो उसको ठीक करने के लिए लोबेट जीएम नियो क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। लोबेट जीएम नियो क्रीम्स को यूज़ करने से ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपकी त्वचा में कुछ लालपन सूजन या खुजली वगैरह हुई है या फिर कुछ एंटी फंगल हुआ है तो इसको यूज़ करने से वो ठीक हो सकता है। तो लोबेट जीएम न्यू क्रीम्स को यूज़ करने का तरीका बताएं तो लोबेट जीएम न्यू क्रीम्स को आप अपने अफेक्टेड एरिया पे यानी कि आपके जहाँ पे स्किन में इन्फेक्शन हुआ है उस एरिया पे आप लगा सकते हैं, और हल्के हाथ से लगा के इसको छोड़ दें, यानी कि इसको अफेक्टेड एरिया पे लगाने के पहले कोई पानी से अफेक्टेड एरिया को धोए, बाद में इस क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको सुबह नहाने के बाद अपने अफेक्टेड एरिया पे और रात को सोते वक्त अपने अफेक्टेड एरिया पे लगा सकते हैं। लोबेट जीएम न्यू क्रीम्स किस प्रकार काम करता है यानी कि हाउ लोबेट जीएम क्रीम वर्क्स। लोबेट जीएम न्यू क्रीम्स के अंदर 3 दवाई देती है यानी कि क्लोबिटासोल, मिकोनाजेस और नियोमाइसिन सल्फेट्स, जो कि ट्रीटमेंट करती है स्किन इन्फेक्शंस का। क्लोबिटासोल एक स्टेरॉइड दवाई है, कुछ केमिकल मैसेंजर जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिंस के उत्पादन को ब्लॉक करता है, जो त्वचा में लालपन सूजन और खुजली का कारण बनते हैं। मिकोनाजोल से एक एंटीफंगल दवा है, जो कि फंगी को खुद के लिए सुरक्षा कवच बनाने से रोककर उससे बढ़ने से रोकता है। नियोमाइसिन से एक एंटीबायोटिक्स दवाई है, यह बैक्टीरिया में महत्वपूर्ण जैविक कार्यों के लिए आवश्यक प्रोटीन के संश्लेषण को रोककर बैक्टीरिया वृद्धि को रोकता है। लोबेट जीएम नियो क्रीम्स आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा। लोबेट जीएम नियो क्रीम्स को यूज करने के पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर या फिर अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस क्रीम्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से लोबेट जीएम नियो क्रीम्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो लोबेट जीएम नियो क्रीम्स के बारे में कुछ भी डाउट तो हमें कमेंट सेक्शन बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आईडी है वहां पर बताएं। लोबेट जीएम नियो क्रीम्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए था, कोई भी क्रीम्स का इस्तेमाल करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।